नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैंने सोमवार के लिए, मतलब 27 जनवरी 2020 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूँगा, तो इसको आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैंने चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेंजेस करूँगा, और तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन जो कि मैंने रेगुलर बेसिस से देता हूँ वो आपको मिल जाएगा। मैंने बाई लेवल और सेल लेवल कम स्किनर बनाता हूँ, उसका थ्रू मैं बाई लेवल सेल लेवल ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी इक्विटी फ्यूचर्स कमोडिटी दिखाता हूँ। 100 डे ईमेज स्ट्रेटेजी, इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और NR4 NR7 और कैंडल स्टिक पैटर्न कौन कौन सा स्टॉक्स में फॉर्म हुआ है वो भी दिखाता हूँ, तो आप लोग उसको उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाएगा। इसके अलावा बहुत सारा चार्ट का सेटअप है, उसको भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान कर देगा। तो इसका सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आप लोग को, व्हाट्सएप का लिंक आप लोग को दिया जाएगा। इसमें मैंने पूरा फाइल शेयर करता हूँ, तो उसमें आप लोग को फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है। और इसका इसमें यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में ये फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी आप लोग को दिया जाएगा। और इसमें आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल चेक कीजिए कि वीडियो देखिए कि इसमें फाइल में क्या क्या है, क्या कैसे परफॉर्मेंस करता है, कैसे स्क्रीनिंग करता है, वो आप लोग को जानकारी मिल जाएगा। तो वीडियो में जो लिंक है तो आप लोग को जरूर दिखेगा। तो देखते हैं निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन करता हूँ, पहले निफ्टी का देखता हूँ। निफ्टी 50 का जो चार्ट मैंने देखा, मैं जो चार्ट बना है तो इसका देखिए, मैंने अगले दिन बोला था इधर बुलिश रिवर्सल कैंडल हुआ है, इसका ऊपर जाने का हाई प्रोबेबिलिटी है, तो वही हुआ है। तो इसमें अभी 272 तक गया था। जब भी देखिए इधर बुलिश रिवर्सल, इधर ऐसा जैसा कैंडल बना है तब भी ये ऊपर गया है, इधर से अब भी आप लोग चेक कर सकता है। तो इधर देखिए जो बुलिश रिवर्सल, ये सब एकदम 100% ऑलमोस्ट 100% शुरू होता है। जब भी इस टाइप का कैंडल बनाता है, रिवर्सल कैंडल, ये रिवर्सल जरूर बनता है। तो मेरा ये फाइल से आप लोग को बहुत सारा कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोग को मिल जाएगा, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये जो कैंडल जब बना है तो इधर ब्लिस रिवर्सल हुआ है, और इधर जो स्विंग लो बना था, इतना बड़ा जो स्विंग लो बना था इधर, मेरे ख्याल से इधर डिस 50% इसका जो लेवल है 326 या 330 तक का लेवल, इतना तक ये आ सकता है। तो अब फिलहाल इसका जो 275 में एक रेजिस्टेंस है, 275-276 या अब इस लेवल को क्रॉस करेगा तो ये 200-300 तक आ सकता है। 300 का लेवल जब क्रॉस करेगा तो ये 380-82 के आसपास आ सकता है। और इधर से देखिए, ये इधर से जो अप ट्रेंड लिया था, ये कंटिन्यूस ये अप ट्रेंड बना है। ये जब भी इसका स्विंग लो बना था, बना है जरूर, बीच बीच में इसका स्विंग लो बना है जरूर, लेकिन कंटिन्यूसली ये हायर लो और हायर हाई बनाते चला रहा। ये देखिए इधर जो बना है सभी हायर हाई हायर लो, आप लोग ट्रेंड लाइन इधर से देखेंगे तो लोअर हायर लोज एंड हायर हाइज बना के चल रहा है। तो अप ट्रेंड इधर चली है, लेकिन इधर से जो इधर डाउन ट्रेंड जो इधर से गिरा था, तो हो सकता है फिर से तक ये रिटेस्ट हो सकता है, 12,000 के नीचे आसपास आ सकता है, लेकिन फिलहाल ये 300 के आसपास या 300-400 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी लगता है। तो उसके बाद फिर से रिटेस्ट होकर, क्योंकि ये साइकिल ऐसे ही मार्केट ऐसे ही वे में चलता है, तो ये इसका जो इधर से जो मतलब इतना था अगला कुछ मान्य महीना में, तो देखना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 400 के आसपास या 400 के ऊपर से जा सकता है। इसके ऊपर मैं हार्डली 500 तक बोल सकता, इसके ऊपर निफ्टी को इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारा और भी फैक्टर्स है, तो निफ्टी को नीचे आना ही पड़ेगा। तो फिलहाल ऊपर जाने का एक प्रॉबिलिटी, एक दो बुलिश कैंडल और भी बनेगा ऐसे ही लगता है। तो कुछ 300 का ऊपर या 400 के आसपास जाने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा है।
और इसका पीबीआर पी रेशियो इतना हाई लेवल पे रह गया है, तो इसको ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। इसका पीबी रेशियो 20 के आसपास आना ही चाहिए, तो 20 के आसपास आना चाहिए, 12,000 के नीचे आने का उसको आना ही पड़ेगा। तो वो बात का बात है, मतलब कुछ अगला कुछ महीना में हो सकता है, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी लगता है। और निफ्टी बैंक का देखता हूँ, निफ्टी बैंक का भी ऐसा ही ट्रेंड है। निफ्टी बैंक भी इधर बुलिश रिवर्सल हुआ था, उसके बाद आप लोग का मेरा पिछले वाला वीडियो चेक कर सकता है। इधर पर बुलिश रिवर्सल पैटर्न बना है, बुलिश रिवर्सल बना था, उसके बाद ये ऊपर गया है। जब भी ये बुलिश रिवर्सल कैंडल बनता है, जिधर जिधर से भी बुलिश रिवर्सल कैंडल बनता है, देखता है अब लोग ऊपर गया है, कभी गैप अप हो जाता है, कभी दो तीन बुलिश कैंडल मतलब बनता है। तो फिलहाल मतलब इस में कुछ ऊपर जाने का, अगला 2-3 दिन 4 दिन में कुछ ऊपर जाने का प्रॉबिलिटी लगता है। तो ये 31,500 या 31,000 32,000 के आसपास बैंक निफ्टी जाने का प्रॉबिलिटी है। और इधर भी बैंक निफ्टी का भी ऐसे ही ट्रेंड है कि इधर लोअर हाईज एंड सॉरी हायर लोज एंड हायर हाईज बना के चल रहा है, हाफ ट्रेंड जारी है। लेकिन इधर जो इधर से जो गिरा था उस आसपास, इधर से जो एक क्या बोलता है, ये जो पैटर्न बना है, इसका जो कैंडल का जो पैटर्न बना है, तो इसका मतलब इस साइकिल में आने का एटलीस्ट नीचे 28,000-29,000 के आसपास आने का प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा है अगले कुछ महीने में। ये 32,000-32,500 तक हार्डली जा सकता है। इसके ऊपर इसको इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। और ऑप्शन चेन मैंने एनालिसिस करूँगा तो उसमें इंडिकेट कर रहा है 1.30 दिख रहा है, थोड़ा सा रिटेस्ट किया है वो ऊपर से। और इधर 12,300 में इसका रेजिस्टेंस बना है, इधर शॉर्ट कवरिंग हुआ है, नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बट पॉजिटिव चेंज इन प्राइस। इसको शॉर्ट कवरिंग आप लोग समझते हैं, फिर शॉर्ट कवरिंग इसको बोलता है शॉर्ट कवरिंग। तो इधर शॉर्ट कवरिंग बना है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा है। और इधर आईबी थोड़ा सा गिरा है, तो कॉल बाई करने के लिए आईबी थोड़ा सा कम होने से अच्छा ही रहता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और इधर फर्स्ट रेजिस्टेंस तो 12,100 में है, उसके बाद 12,000 सॉरी फर्स्ट सपोर्ट 12,100 में है, पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। और 12,000 में मैंने इस एक्सपायरी पकड़ता हूँ, तो इसीलिए इसका 12,000 में मैंने सपोर्ट पकड़ता हूँ। इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन इधर जो 12,100 में इधर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रहा है। और कहाँ था, कहाँ पर लॉन्ग अनवाइंडिंग दिख रहा है क्या? हाँ इधर इसका तो ऊपर, इतना ऊपर छोड़ दीजिए, इधर 12,100 में इसका लॉन्ग अनवाइंडिंग बन रहा है। मतलब जब भी ये 12,100 का नीचे जाने का कोशिश करेगा, पुट अनवाइंडिंग होगा, तो इससे ऊपर जा ऊपर लाने का कोशिश करेगा। और बैंक निफ्टी का देखता हूँ, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो मैंने, हाँ इधर पीसीआर रेशियो 1.14 है, बैंक निफ्टी का पीसीआर रेशियो 1.14। और इधर सपोर्ट बना है, रेजिस्टेंस बना है 12,000-31,500 में। और इधर और निफ्टी में एक चीज़ बोलने का भूल गया, जो रेजिस्टेंस में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, मतलब नेगेटिव चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, वो सपोर्ट से सपोर्ट का जो रजिस्टर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है उससे ज़्यादा है। मतलब इधर चेंज इन जो ओपन इंटरेस्ट जिधर ज़्यादा है, मार्केट उसी के साइड ड्राइव होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहता है। तो इधर 31,500 का देखिए, इधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा जो है इधर पुट साइड में, इधर जो शॉर्टिंग हो रहा है, उधर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है। मतलब ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, प्राइस कम है, तो मतलब शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। और इधर मार्केट ड्राइव होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब शॉर्टिंग होने का, पुट शॉर्टिंग होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब बैंक निफ्टी ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। और
इधर मैंने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया हूँ, तो मैंने इधर मैं 6 डेज का एक्सपायरी का हिसाब से